हिसार में यूनिवर्सिटी कैंपस ऑडिटोरियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हस्तियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान नारनौल से संबंध रखने वाली दो फिल्म जगत की नामचीन हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। भारत बोहरा को फिल्म जगत में अपने योगदान के लिए और पम्मी मोटन को बॉलीवुड में अपने एक्टिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए। पम्मी मोटन इस कार्यक्रम में शिरकत करने मुंबई से हिसार पहुंची थी। इस दौरान हमने उनसे हिसार जाकर एक खास मुलाकात की, लेकिन भारत बोहरा वहां के मुख्य आयोजक होने के कारण हमें नहीं मिल पाए, लेकिन उन्होंने हमें जल्द दोबारा इंटरव्यू देने का वादा किया। किस काम से आए हैं? और यहाँ हिसार में एक इवेंट था जिसके लिए मुझे इनवाइट किया गया था, तो उसी सिलसिले में मैं आई हूँ। इवेंट में आपको सम्मानित किया गया है? हाँ जी, सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। तो मैंने कहा मुझे अच्छा लगा कि मैं हरियाणा से जुड़ रही हूँ। लास्ट ईयर में पानीपत आई थी, जो मोदी जी का बेटी बचाओ कैंपेन था, उसको मैंने ज्वाइन किया था, तो पानीपत वालों ने भी काफ़ी सम्मान दिया था हमें। तो बेटी बचाओ से जुड़ी हुई। क्या किस किस बॉलीवुड के अंदर आपने किस किस प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है? एक्चुअली मैंने स्टार्ट मॉडलिंग के तौर पे किया था। मैंने काफ़ी सारे फिल्म शूज़ किए हैं, काफ़ी रैंप शोज़ किए हैं मैंने, और बहुत सारे फैशन शोज़ किए हैं। फिर मैंने 14-15 मैंने सीरियल भी किए। लास्ट मेरा कॉमेडी क्लासेस था, फियर फाइल्स मैंने किए हैं। अभी मैं हरियाणा से जुड़ी हूँ, तो केडी हरियाणा को लेकर क्या प्लान्स आपके? मैं चाहती हूँ हरियाणा को लेकर कोई प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होने वाला है, कोई प्लानिंग में कुछ पाइपलाइन में? एक्चुअली मेरी फैमिली हरियाणा से बिलोंग करती है, तो मुझे भी मेरे हरियाणा से प्यार है। तो ऑलरेडी मुझे हरियाणा से काफ़ी प्रोजेक्ट के लिए ऑफर आया है, उसमें से जो हमारे फेमस सिंगर है KDMD, उनका भी मैं करंट नेक्स्ट वीक मेरा एक एल्बम शूट है, एक वीडियो एल्बम कर रही हूँ मैं उनके साथ में। तो मैं चाहूँगी कि मैं जो हमारे फेमस हरियाणा में से कोई फिल्म वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ भी मिलेगी तो वो भी करना चाहेंगे। हाँ, अगर हरियाणवी प्रोजेक्ट कुछ मुझे अच्छा मिलेगा तो मैं क्यों नहीं करूँगी, जरूर।